हे गाइस, वेलकम टू हाउ टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो पेंडिंग में क्यों जाती है, वो डाउनलोड क्यों नहीं होती। उसका एक बड़ा एथिक है कि या तो अपनी वाईफाई को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें, इसे डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लें, या फिर अगर जैसे लाइक मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ और वापस बैठ जाता हूँ और मैं अभी फंस कर ये कर रहा हूँ, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा हूँ तो वो मुझे पेंडिंग में क्यों लेके जाती है। लाइक कुछ इस तरह से अगर मैं इसे डाउनलोड करूँगा, स्टार्ट करूँगा तो डाउनलोड पेंडिंग में ना जाए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं सिंपली आपको एक दफ़ा अपना वाईफाई का नेटवर्क कौन सा है आप इसको एक दफ़ा क्लोज करें, इसके ऊपर जाते हैं और वाईफाई को एक दफ़ा ऑफ करते हैं और ऑन करते हैं। तो जैसे ही कनेक्ट होगी तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट कर देगी। अभी हम गूंज की ही बात करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रही, पर जैसे ही हम अगेन जाके उसको रिफ्रेश करेंगे लाइव टीवी ऐप को तो देखें ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है नेटवर्क को रिफ्रेश करने से, और ये इंस्टॉल भी हो गई है। तो नेक्स्ट थिंग बात करें हैं, अगर आप सेम थिंग अगर हम इसको डाउनलोड करना स्टार्ट करें, इसको एक मैं क्लोज करता हूँ और आफ्टर दैट अगेन मैं इसको इंस्टॉल करने की ट्राई करता हूँ। ये सेकेंड एथिक है, देखें जैसे ही हमने इसको वेट किया थोड़ा सा डाउनलोड होना स्टार्ट होगी, बात करते इंस्टॉल ही नहीं होती। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आने से लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।